कक्षा 12वीं भौतिक, मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत धारा का भाग 6 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस भाग में कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। एक टंगस्टन धातु 150 डिग्री सी पर प्रतिरोध 133 ओम है, इसका प्रतिरोध है यानी कि आर टी का मान यानी आर 150 का मान जो दिया हुआ है वो 133 ओम दिया हुआ है। यदि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक यानी प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है, इसका मान दिया है 0.0045 प्रति डिग्री सी, तो 500 पर इसका प्रतिरोध क्या होगा यानी आर 500 बताना है। चलिए देखते हैं, हमारा सूत्र जो होता है आर टी बराबर होता है आर जीरो और 1 प्लस अल्फा टी। चलिए देखते हैं, इसमें दोनों मान रखने हैं, पहले ये 150 वाला रखेंगे तो R 150 बराबर कितना हो जाएगा, R 0 हो जाएगा और 1 प्लस अल्फा का मान दिया हुआ है यानी 0.0045 और टेम्परेचर भी दिया हुआ कितना 150, तो यहाँ 150 आ जाएगा। ये तो आ गई समीकरण नंबर एक। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, R 500 का निकालना है, तो यहाँ R 500 ले लीजिए और बराबर कितना हो जाएगा, R 0 हो जाएगा और 1 प्लस अल्फा का मान है 0.0045 और गुणा कितना है, यहाँ 500 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर दो हो जाएगी। अब समीकरण दो को समीकरण एक से भाग कर दीजिए, समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देने पर, चलिए दे दीजिए, तो ऊपर तो हो जाएगा ये आर 500 और इधर कितना हो जाएगा R 150 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R 0, 1 प्लस अल्फा का मान है 0.0045 और गुणा 500 और बटे में कितना आएगा, ये आ जाएगा R 0, 1 प्लस 0.0045 और गुणा कितना हो जाएगा 150। चलिए देखते हैं, R 0 से R 0 कट जाएगा, अब बाकी यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा, R 500 बटे आर 150 का मान 133 है तो इसको 133 लिख लीजिए और इसकी अब गुणा भाग करनी रह गई है 1 प्लस, इसकी गुणा करके देखते हैं कितना आता है। ये पहला जो आ रहा है ये 2.25 आ रहा है, ये 2.25 और बटे में जो बच गया वो 1 प्लस कितना बच जाएगा, इसकी गुणा करके देखते हैं, ये जो आ रहा है 0.675 आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं, तो ये R 500 जो है कितना आ जाएगा, ये ऊपर जो आएगा 3.25 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1.675 और ये जो है गुणा में 133 आ जाएगा। अब जरा इसकी गुणा भाग कर लेते हैं, गुणा भाग जो करनी है किस किस की करनी है देख लीजिए, पहले है 3.25 की गुणा 133 से करनी है और फिर भाग देना है आपको 1.675 से। चलिए ये जो आएगा ये भाग देने के बाद आ जाएगा 258, इतना ओम आ जाएगा, इतने ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपका कितने का है मान, आर 500 यानी 500 डिग्री सी पे इसका प्रतिरोध 258 ओम होगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ये है किसी तार का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है 0.00125 प्रति डिग्री सी है, यानी कि अल्फा का मान दिया हुआ है कितना, 0.00125 प्रति डिग्री सी। यदि 300 के ताप पर उसका प्रतिरोध 1 ओम हो, यानी कि 300 के को बदल दीजिए, टी बराबर 300 दिया है, 300 के में से 273 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 273 घटाना है, ये 27 आता है तो 27 डिग्री सी हो जाएगा। इस पे प्रतिरोध जो है यानी कि आर 27 का मान दिया इन्होंने कितना, 1 ओम, ये वास्तव में 27 डिग्री सी ताप का है, तो किस ताप पे इसका प्रतिरोध जो है 2 ओम हो जाएगा यानी आर टी का मान जो है वो 2 ओम दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, तो सबसे पहले सूत्र लगा देते हैं, आर टी बराबर होता है आर 0 1 प्लस अल्फा टी, तो आर टी पहले हम ये 27 वाला ले लेते हैं, तो आर 27 है बराबर कितना हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा
और 1 प्लस अल्फा का मान दिया हुआ है 0.00125 और टेम्परेचर कितना था 27 था, तो 27 ये हो गया है। ऐसे ही फिर हम आर टी का निकालेंगे टेम्परेचर पे, यानी कि आर 27 का मान कितना दिया है 1 ओम दिया, तो यहाँ 1 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आर 0 और ये 1 प्लस इसकी गुणा करके देखते हैं जरा कितना आएगा। 27 की गुणा करनी है किससे 0.00125 से, ये जो आ जाएगा गुणा करके ये आ जाएगा 0.03375। तो ये 1 ओम बराबर कितना हो गया आर 0, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1.000, एक और 0 नहीं है तो ये 1.03375 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब जो दूसरा लेंगे आरटी का, फिर ये सूत्र लगाएंगे, अब ये लगाएंगे 2 ओम के लिए, तो आरटी का फिर से सूत्र लग दे रहा हूं मैं, आरटी बराबर होता है आर 0 1 प्लस अल्फा टी। इसमें मान रख दीजिए आरटी का मतलब कितना दिया है, ये 2 ओम दिया है, आर 0 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस अल्फा का मान 0.00125 और टी का मान हमें पता नहीं है, आपकी टी ऐसी रहने दीजिए। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर दे दीजिए कितना हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आर 0 1 प्लस 0.00125 गुणा टी है और बटे में कितना आया है, ये भी आया है आर 0 और जो मान आया था 1.03375, आर 0 से आर 0 कट जाएगा और इधर 2 की गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणा कितना हो गया 1.03375 बराबर कितना हो गया 1 प्लस 0.00125 × t। टी हमें निकालना है, पहले इसकी गुणा कर देते हैं, तो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और 1 = 15, 2 × 3 = 6 और 1 = 7 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा कुछ गड़बड़ जगह लग गया है, इस पॉइंट को भी सही कर लीजिए, पॉइंट जो होना चाहिए हमारा ये कितना होना चाहिए, ये वास्तव में 2.06750 आ जाएगा और बराबर कितना है 1 प्लस 0.00125 और गुणा टी है, पहले 1 को इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 0.00125 गुणा टी बराबर कितना हो जाएगा 2.06750 - 1। तो ये टी का मान कितना आ जाएगा 2 पॉइंट में से अभी ये 1 पॉइंट बचा रह जाएगा, तो जो t का मान निकलेगा वास्तव में कितना हो जाएगा ये 1.06750 और बटे में आ जाएगा ये कितना 0.00125, 0.00125 इसके हट जाएंगे। और अब भाग देना है, भाग देने पे कितना आता है वो आपको देखना है, तो भाग जो देना है ये 1.06750 ये जो मान आएगा ये 854 आ रहा है मेरा मान, तो यहां पर जो लिखा जाएगा 854 ओम और यही आप ओम नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना ये गड़बड़ हो गया, इतने डिग्री सी पे आएगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है ये डिग्री सी में आएगा, और यही आपका आंसर है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, 1, 2, 3 यानी कि आर 1 का मान जो दिया वो 1 ओम दिया हुआ है, आर 2 का मान जो दिया हुआ है वो 2 ओम दिया हुआ है और आर 3 का मान जो दिया हुआ वो 3 ओम दिया हुआ है। नंबर 1 श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, तो पहले श्रेणी क्रम में लगा लेते हैं, तो पहला ले लेते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 + R2 + R3 होता है, तो R का मान 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा ये 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम ये आंसर हो गया श्रेणी क्रम वाला। दूसरा कह रहा है समांतर क्रम,
देखिए समांतर क्रम जो है जोड़ने पर ये 1/r हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। चलिए मान रख लेते हैं 1/1 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ 6 प्लस 2 3 6 और 3 2 6 तो 6 3 9 और 2 11 हो जाएगा, और 1/6 हो गया, लेकिन 1/ ये r हो गया, तो r का मान जो है 6/11 ओम आ जाएगा। ये तो ये आंसर आ गया आपका समांतर क्रम में। प्रत्येक स्थिति में तुल्य प्रतिरोध बताना था, तो यही तुल्य प्रतिरोध है, यही दोनों आंसर हैं, तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, यानी r1 बराबर r2 बराबर r3 कितना है, ये 8 ओम दिया हुआ है। किस प्रकार जोड़ने के तुल्य प्रतिरोध 12 ओम हो जाए, तो चलो देखते हैं। एक तो 8 ओम का होगा इस श्रेणी क्रम में, दूसरा जो है 2 को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो ये प्रतिरोध और कम हो जाएगा। तो चलो इसको जोड़ के देखते हैं, ये प्रतिरोध इतना हो जाएगा और ये आ गया आपका, तो ये आपका R1 है और ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो इसमें लिखेंगे R2 व R3 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो इनका समांतर क्रम का 1/r' का फॉर्मूला लगेगा, 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। तो ये 1/8 है प्लस का 1/8 है, तो कुल मिलाकर के ये 2/8 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 2 4 2 4 8 हो जाएगा। तो 1/r', तो r' का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब r1 व r' कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो r1 प्लस r' हो जाएगा। तो r1 का मान तो 8 ओम है और r' का मान 4 हो गया, और ये कितना आ गया, 12 ओम आ गया, और यही हमें लाना था। इसका मतलब हमारा चित्र सही है, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग, ये आपका आ रहा है। आपको प्रत्येक आर ओम के एन प्रतिरोध दिए गए हैं, आप इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे कि तुल्य प्रतिरोध अधिकतम हो, तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम हो, और अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला आता है अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए जोड़ देते हैं 8 प्रतिरोध, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन RN तक। तो ये सारे जो हैं R R ओम के दिए हुए हैं, ये R है, ये भी R है, प्लस कहाँ तक होगा, अप टू N, यानी N तक। तो ये जाकर के ये N R हो जाएगा, तो ये R डैश कर दीजिए, फिलहाल एक ही से दिखाई दे रहे हैं आर आर, तो आर डैश हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, यानी ये आर मैक्सिमम निकला आपका, आर मैक्सिमम हो गया एन आर। चलिए अब देखते हैं आर मिनिमम के लिए, न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाते हैं। चलिए लगा दीजिए, तो 1/r" हो जाएगा, यानी r" ले रहा हूं मैं, तो ये 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस कहां तक हो जाएगा, 1/rn तक आ जाएगा। तो सारे के सारे आ रही हैं, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो ये कहां तक होगा, n तक लेंगे, तो कुल मिलाकर के ये n/r हो जाएगा। तो 1/r" आ गया, तो r" का मान कितना हो जाएगा, r/n हो गया, यानी ये r मिनिमम हो गया, यानी कम से कम कितना हो गया, r/n। अब इनका हमें अनुपात निकालना है, यानी ये दूसरी वाली समीकरण है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो r मैक्सिमम कर दीजिए और r मिनिमम कर दीजिए, आर मैक्सिमम का मान तो एन आर आया था और मिनिमम का मान r/n आया था, आर से आर कट जाएगा तो एन ऊपर पहुंच जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा और यही अनुपात हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम अनुपात आर मिनिमम बराबर कितना हो गया, एन स्क्वायर अनुपात 1 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आपको 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं, निम्न प्रतिरोध प्राप्त करने हैं, किस प्रकार जोड़ेंगे। तो पहले 11/3, तो 11/3 मैंने अभी करके दिखाया था संभवतया, तो 11/3 का तो आप लोगों को पता है कैसे जोड़े जाएंगे ये। चलिए देखते हैं इसको, 11/3 वाला पहले करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो भी होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसके मान रख लीजिए तो 1/1 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 × 3 = 6 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो ये 1/r हो गया, तो कितना मान आ गया, 6 × 3 = 9 और 2 = 11, 11/6 आ गया, तो 1/r हो गया। तो r बराबर कितना हो गया, 6/11। ये हमारा 6/11 चौथे वाला हिस्सा है। चलिए ठीक है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ये तो मैंने एक पार्ट करके दिखाया, ये कौन सा पार्ट हुआ, 6/11 चौथा पार्ट हुआ ये। चलिए चौथा पार्ट था ये। इसके बाद देखते हैं हम, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया हमने, अब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखते हैं। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो R का मान हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है, 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो 3 × 3 = 6 ओम हो जाएगा। तो ये R आ गया, ये 6 ओम जो है तीसरे वाला दिया है, यानी तीसरा पार्ट हुआ आपका। बच गए दो पार्ट और देख लेते हैं, दोनों पार्ट को भी हल करके देख लेते हैं जरा क्या होता है इनका। अब क्या करना है, एक को श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, दो को समांतर क्रम में लगा देते हैं। चलो एक ऐसा लगा देते हैं और बाकी ये ऐसा लगा देते हैं। चलो अब देखते हैं कैसा होता है ये। ये आपका 1 ओम का ले लिया है मैंने, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। देखते हैं क्या आता है, ये तो R1 है और ये R2 है और ये R3 है। तो लिखते हैं R2 व R3 कैसा है, समांतर क्रम में है। तो इसका हो जाएगा R' यानी 1/R' बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R' का मान कितना हो जाएगा, 1/2 है ये प्लस का 1/3 हो गया। तो लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, कुल मिलाकर के 5/6 हो गया। तो 1/R' आ गया 5/6। अब R' का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, R' बराबर हो गया 6/5। अब इसमें ये 1 ओम का जोड़ना है, अब क्या करना है, R' व R1 कैसे है, श्रेणी क्रम में है। तो R का मान कितना हो जाएगा, R' प्लस R1 हो जाएगा। R' का मान 6/5 है और R1 का मान 1 है, तो लघुत्तम लेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 6 + 5 हो गया और कितना आ गया, ये 11/5 ओम आ जाएगा। ये 11/5 ओम ये आपका सेकेंड वाला है, तो ये आपका सेकेंड हो गया है। अब एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं कैसा लगेगा। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 को पहले समांतर क्रम में कर देते हैं। ये 1 और 2 है, समांतर क्रम में पहले कर दीजिए इसको, और ये जो बचा है उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। तो ये था R1, ये R2 था और ये R3 है। तो चलिए R1 व R2 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। 1/R' बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 यानी 1 ही है और 1/R2 2 है, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो ये 1/R' निकल गया। अब R' व R3 कैसे हैं, R' व R3 कैसे क्रम में लिया हमने, ये लिया है श्रेणी क्रम में। तो अब क्या हो जाएगा, R जो निकालेंगे वो R' प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। तो R' का मान हमने अभी निकाला 3/2 और प्लस ये किसका मान आया है,
आर डैश का मान नहीं है, आर डैश तो यहां से भी याद बदलेगा। देखो आर डैश का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 2/3 ओम हो जाएगा। चलिए यहां पर भी 2/3 ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसको सही कर लीजिए, ये कितना आ गया आपका 2/3। आर थ्री का मान जो था वो 3 था, तो ये आ जाएगा लघुत्तम इसका 3। यहाँ 1 ले लेंगे तो यहाँ तो 2 ही रहेगा, लेकिन 3 × 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो गया। तो ये आर का मान 11 ओम/3 ओम होगा और 11/3 आपका पहला ही था। इस प्रकार से सारे ऑप्शन हो गए और इस तरह से आपको जोड़ने होंगे तो ये प्रतिरोध प्राप्त होंगे। चलिए अगले तरफ देखते हैं हम लोग। चित्र दिया हुआ, चित्र में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, ये पहले वाला आर वन है, दूसरे वाला आर टू है, ये तीसरा जो दिखाई दे रहा है ये आर थ्री है और ये आपका आर फोर है। चलिए पहले लेते हैं आर वन व आर टू कैसा है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आर डैश निकलेगा तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/r1 + 1/r2। तो 1/r1 4 है, ये भी 1/4 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 2/4 हो जाएगा, यानी ये 1/2 आ जाएगा। तो 1/r, तो आर डैश का मान कितना आ गया, 2 ओम आ गया। चलिए ये तो एक तरफ निकाल दिया हमने, अब दूसरा लेते हैं R3 व R4, ये कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, 1/r" निकालना, तो कितना हो जाएगा, 1/r3 लेंगे प्लस 1/r4 लेंगे, तो ये 1/6 हो गया, 6 हो गया, प्लस ये भी 1/6 हो गया, तो ये 2/6 हो जाएगा, काट देंगे तो 3 आ जाएगा। तो R" का मान कितना आ जाएगा, R" का मान कितना हो गया, 3 ओम आ गया। अब यहाँ लिखना है R- व R" कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R जो आ जाएगा वो R- + R" के बराबर जाएगा। R- कितना था, 2 ओम था और ये 3 ओम था, तो कुल मिलाकर के 5 ओम हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान है प्रश्न, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ प्रतिरोध जो दिए हुए हैं ये सारे R ओम के, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों दिखाई तो इस श्रेणी क्रम में दे रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में सारे के सारे समांतर क्रम में। तो ये ऐसा लगा हुआ है, इसको दिखा दे रहा हूँ मैं बना करके, ये आपका ऐसे लगा हुआ है एक, तो इसके बाद ये दूसरा भी ऐसे लगा हुआ है और बीच में तीसरा लगा हुआ है ये। तो तीनों जो है कैसे क्रम में हो गए हमारे, ये आपके समांतर क्रम में होंगे। तो सारे ये R के ही हैं, तो ये भी R है, ये भी R है। तो पहले मैं ले रहा हूँ इसको R1, ये दूसरे वाला R2 और तीसरे वाला जो है वो R3 है। तो यहाँ तीनों प्रतिरोध कैसे हैं, तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो इसका 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो 1/r का मान कितना हो गया, 1/r हो गया, प्लस का 1/r हो गया, प्लस 1/r हो गया, तो 1/r बराबर कितना हो गया, 3/r। तो r का जो मान आएगा वास्तव में ये r/3 आ गया और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चले देखते हैं इस जंक्शन की तरफ, किस जंक्शन में क्या दिया हुआ है। तो आपको इस जंक्शन में दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर ये करंट आ रही हैं। तो मान लीजिए जो आ रही हैं सबके नाम देना चालू कर दे रहा हूँ। मान लिया ये I1 है जो आ रही है और ये I2 है जो जा रही है और ये I3 है और ये क्या है I है, जिसको मैं I4 कह दे रहा हूँ, और ये I5 है। चलिए जंक्शन पे आने वाली समस्त धाराओं का योगफल 0 होता है, तो सिग्मा आई का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। चलो देखते हैं निकाल करके कैसे आएगा। तो आने वाले प्लस की होंगी, जाने वाले सब माइनस की होंगी। तो ये हो जाएगा I1 तो आ रही है, I2 जा रही है तो माइनस का I2 हो जाएगा, और I3 आ रही है तो प्लस का I3 होगा, I4 फिर जा रही है तो माइनस का I4 हो जाएगा, और I5 आ रही है तो ये प्लस का I5 हो जाएगा, और कुल मिला करके 0 हो जाएगा। I1 देखिए कितना है, 5 एम्पियर है, I2 कितना है, 2 एम्पियर है, I3 कितना है, I2 हमारे पास 3 एम्पियर है, तो यहाँ 3 रखिए। I3 कितना है, ये 2 एम्पियर है, माइनस का I4 तो I ही है,
और प्लस आई फाई कितना है, 7 है, ये बराबर 0 हो गया। तो ये आ गया 5 और 2 7, 7 में 7 और 7 14, 14 में से 3 गए तो ये बच गया 11, 11 माइनस आई बराबर 0, तो आई बराबर कितना हो गया 11 एम्पियर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और दिया है, संलग्न चित्र में किरचॉफ के नियमों की सहायता से ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना। तो सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, ये आर वन है, ये आपका आर टू है और ये आर थ्री है। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, आई का मान इन्होंने दे दिया है कितना है 3 एम्पियर। चलिए पहले लिखते हैं आर वन व आर टू कैसे हैं क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो पहले इनका श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, तो आर वन कितना हो गया 4 हो गया और ये 8 हो गया, तो 8 4 12 ओम हो गया, तो ये आर डैश हो गया। अब लिखना है आर डैश व आर थ्री कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, तो 1 बटे आर बराबर हो जाएगा 1 बटे आर डैश प्लस 1 बटे आर थ्री। 1 बटे आर डैश कितना आया था 12 आया है और आर थ्री कितना है हमारे पास 6 है, तो 1 बटा 6 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 12 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये 3 बटे 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी 1 बटे आर का मान जो है 1 बटे 4 आ गया, तो आर का मान 4 ओम आ गया। ये तो आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, आई पता है, तो V इज इक्वल टू कितना होता है आई आर होता है, तो आई कितना है आपका 3 है और आर जो है 4 है, तो 4 तिया 12, 12 वोल्ट हो गया। ध्यान रखना विभव की इकाई जो है क्या होती है, वोल्ट होती है, और यही आपका आंसर होगा। चलिए और आगे देखते हैं हम जरा, ये आपका 24 नंबर है, संलग्न चित्र में किरचॉफ के नियमों की सहायता से वाय प्रतिरोध तथा सेल में बहने वाली धारा की गणना करनी है। तो सेल है ये सेल है आपका, दिखाई दे रहा है प्लस माइनस दिया हुआ है, अब इसके द्वारा जो धाराएं निकल रही हैं वो हमें बताना है। तो ये धारा इधर से I1 आएगी और इधर से धारा I2 आ रही है और ये दोनों आकर के यहां मिल जाएगी, यानी I1 प्लस I2 हो जाएगी। चलिए अब देखना चालू करते हैं कैसे हम I1 I2 को निकाल सकते हैं। तो अलग अलग लूपों में इसको लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं लूप लेना चाह रहा हूं कौन सा, बंद वक्र कौन सा ले रहे हैं, ए ई एफ डी ए में। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं आया, ये ई पे ही आ रहा है, तो ये कितना जाएगा, इसमें धारा जो आई थी आई वन प्लस आई टू आई है, इसमें प्रतिरोध कितना है इसका 2 ओम का है, फिर घूम के उसी में चलेगी और तो कोई नहीं है, लेकिन कितना वोल्ट लगा हुआ है 2 वोल्ट का लगा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आई वन प्लस आई टू का मान कितना हो जाएगा 2 बटे 2 कट के 1 आ जाएगा, यानी आई वन प्लस आई टू का मान 1 आ गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब बंद पास दूसरा लेंगे हम, बंद पास कौन सा ले रहे हैं, ये छोटे वाला, तो यहाँ लेंगे बंद पास कौन सा है, बंद पास हम बी से शुरू करें, बी ई एफ सी बी में, चलिए बी से शुरू करिए, फिर वही आएगा आई वन प्लस आई टू, इसके सामने प्रतिरोध 2 ओम का पड़ रहा है तो गुणा 2 हो जाएगा, और कोई प्रतिरोध है नहीं, तो यहाँ 3 वोल्ट लगा है तो यहाँ 3 लगा देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आई वन प्लस आई टू 3 वोल्ट। चित्र हमारा बच्चों अस्पष्ट था, यहाँ पर इनके आंतरिक प्रतिरोध भी दिए हुए थे, ये 0.5 ओम का दिया हुआ है और ये 1.5 ओम का इनका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, तो इनको भी इसके अंदर दिखाना जरूरी था, इसलिए जो है अब फिर से बंद वक्र लेंगे वहीं पे, लेकिन ये नियम में थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या हुआ, वक्र तो वही रहेंगे, बंद पास हमारे वही रहेंगे, तो बंद पास में से अब क्या करना है हमें, फिर वैसे ही लेना है, बंद वक्र तो वही दिया, तो यहां से चालू किया मैंने, तो इसमें आई वन प्लस आई टू, इसके साथ प्रतिरोध जो है 2 ओम का है, फिर वापस जब घूम के जा रही है तो 0.5 में जा रही है, तो प्लस का 0.5 और कितनी जा रही है इसमें आई वन जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो धारा बह रही है वो आई वन है और यहाँ पे जो धारा बह रही है वो आई टू है,
तो आई वन हो जाएगा। और बराबर कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, दो वोल्ट की बैटरी लगी है, तो दो यहाँ आ जाएगा। अब इसको सही कर लीजिए तो टू आई वन हो गया, प्लस का टू आई टू हो गया, और प्लस का 0.5 आई वन हो गया, बराबर कितना हो गया, दो हो गया, तो 2.5 हो जाएगा आई वन, और प्लस का हो जाएगा 2 I2, और बराबर हो गया 2। ये समीकरण नंबर एक हो गई। अब ये पास हम बदल दे रहे हैं, पास में फिर से देख लीजिए, तो पहले आई वन प्लस आई टू चल रही है, तो आई वन प्लस आई टू यहाँ पे 2 से ही गुणा होगा, गुणा 2 प्लस, लेकिन यहाँ आई टू लौट करके आ रही है 1.5 में, तो ये 1.5 हो जाएगा, और इसके साथ गुणा कितनी हो जाएगी आई टू, और बराबर कितना वोल्ट लगा हुआ है, 3 वोल्ट लगा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, तो 2 I1 हो जाएगा और 2 ही I2 हो जाएगा, और प्लस का 1.5 I2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब की जो है 2 तो I1 रह गया, लेकिन I2 थोड़ी जुड़ गई, तो ये हो जाएगी 3.5 I2, ये बराबर समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समीकरण 2 व 3 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आपका I1 का कुछ मान आएगा और I2 का भी कुछ मान आएगा। जो मान आएगा वो मैं बता दे रहा हूं कितना कितना मान आ रहा है। इसमें I1 का मान जो है वो 4/9 एम्पियर आ जाएगा और I2 का मान 14/19 एम्पियर आ जाएगा। तो अब केवल I1 प्लस I2 निकालना है, तो I का मान जो हो जाएगा I1 प्लस I2, तो ये कितना हो जाएगा, I1 तो है आपका 4/9 और ये 14/19 है, तो ये जोड़ लेना आप लोग, जोड़ करके आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई नहीं आएगा, ये 18/19 हो जाएगा। ये बच्चों 19 है, नीचे लिखा हुआ ये 19 है, तो 18/19 एम्पियर हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। नीचे आपका लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और मेरे वीडियो कम से कम लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए, और कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।